अस्सलाम वालेकुम मेरे साथियों, मैं शिराज खान हैदराबाद से बाहसियत सामाजिक कारकुन और कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता। कुछ देर पहले मैंने राजा सिंह, जो कि गोशा महल कॉन्स्टिट्यूंसी के वो बीजेपी के एमएलए हैं, वो बड़े फख्र से ये कह रहे हैं रोहिंग्या मुस्लिम के ऊपर, क्या बताना चाह रहे हैं राजा सिंह बाहसियत एमएलए? इस तरीके की बात, जो म्यांमार में जो वाकया, जो दहशतगर्दी का जो माहौल है उसको लेकर तेलंगाना में और तेलंगाना के एमएलए होते हुए जो आज उन्होंने बयान दिया है कि हिंदुस्तान में जितने भी रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं या ओल्ड सिटी में जितने भी रोहिंग्या मुस्लिम रह रहे हैं या शरण ले रहे हैं, उनको सीधे सीधे उन्होंने गाली के तौर पे बात की है। उनका जो कहना है ये साफ जाहिर करता है कि इनको मुसलमानों से कितनी दुश्मनी है और इनके दिल और दिमाग में कितना जहर भरे हुआ है। जहाँ पर सारे आलम में ये मैसेज हर कोई देने की कोशिश कर रहा है कि इंसानियत का कत्ल हो रहा है और इंसानियत के लिए आवाज़ उठाना चाहिए, पड़ोसी देशों को सामने आकर बर्मा पे हो रहे जो तशद्दुद है या जो जीनोसाइड का जो मामला है, नस्लकुशी का मामला है, उस पर रोक लगाए। और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज सामने भी आ चुके हैं बर्मा की मदद के लिए, रोहिंग्या मुस्लिम को बचाने के लिए, या वहाँ पर जो मुसलसिल नस्लकुशी की जा रही है उसको रोकने के लिए बहुत बड़े इकदाम बड़े लेवल पे हो रहे हैं। लेकिन आज हमारे यहाँ पर लोकल स्टेट के अंदर एक एमएलए इस तरीके से वाहिया तरीके से वो बयान देता है कि देश में जो भी मुसलमान रोहिंग्या मुसलमान आ चुके हैं या ओल्ड सिटी में जो मुसलमान हैं, वो एमआईएम के सारे एमएलए को और एमपी को निशाना बनाते हुए ये कह रहा है कि उस गरीब मासूम मुसलमानों को रहने के लिए या खाने पीने के लिए, उनकी आजवाजी ज़रूरत के लिए मदद की जा रही है। तो ये बहुत बड़ा इंसानियत का काम हो रहा है। मैं ये पूछना चाहती हूँ राजा सिंह से कि आपको कहाँ पर तकलीफ हो रही है? वैसे हमारे देश का माहौल बहुत अमन और शांति से है और यहाँ के हिंदुस्तानियाँ बहुत सेफ है। मैं यहाँ पर एक जहन नशीन करवाना चाहती हूँ बीजेपी के एमएलए राजा सिंह को कि आप अपनी वही वाहियत और गंदी सोच का विचार बार बार अपने बयानों में देते रहते हैं, तो आपको शर्म आनी चाहिए। तू है बीजेपी पर, तू है बीजेपी के इस एमएलए राजा सिंह के ऊपर, तो जहाँ पर ये मौके का फ़ायदा उठाते हुए मौका परस्ती की बात करते हुए हिंदुस्तान की आबोहवा को या हिंदुस्तान के माहौल को, अमन व शांति को आप गुमराह करना चाह रहे हैं या इसको यहाँ पर फूट डालना चाह रहे हैं, आपसी जो मुसलमान भाईचारे की है या यहाँ की जो गंगा जमुना तहजीब है, आप उसमें डिवाइड करके या इस तरीके से वर्गला के उनके बीच अमन और शांति का रंग जो छाया है उसको भंग करना चाह रहे हैं, तो ये आप क्या एमएलए की कुर्सी पे बैठने के काबिल है? बिल्कुल नहीं है। अरे एक एमएलए अपनी जनता के लिए बेहतर से बेहतर सोच रखता है, उनको बचाने के लिए अगर उनके ऊपर कोई जुल्म हो रहा है तो आगे आता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे बर्मा के मुसलमानों की बात हो रही है, तो आज मैं वाजे तौर पर इस एमएलए को बात करते हुए ये कहना चाहती हूँ कि बर्मा में सिर्फ मुसलमानों की नस्लकुशी नहीं हो रही है, बर्मा में तो हिंदू लोग भी हैं। वो हिंदू भाइयों के साथ, वो बहनों के साथ, वो हिंदू माओं के साथ, बेटियों के साथ भी वही गलत यानी कि दहशतगर्दी ना या नस्लकुशी की जा रही है। हिंदू भाई लोग भी वहाँ पर मर रहे हैं, हिंदू बहनें भी, हिंदू मासूम बच्चे भी मर रहे हैं। तो इसको आप खुलेआम तरीके से चर्चा में क्यों नहीं लाते और इसके ऊपर आप बयानबाजी क्यों नहीं कर रहे हैं? इससे तो साफ जाहिर होता है कि बहुत बड़ी साजिश है। और तेलंगाना के जहाँ पर माहौल की बात आती है, जहाँ पर यहाँ का जो एटमोसफियर है बहुत पुरसकून है, लेकिन इस एमएलए के बयान को लेकर मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी तेलंगाना की अवाम इसके बातों में ना आए। और राजा सिंह, मैं ये कहती हूँ कि अब आपका वक्त हो चुका है, आप एक काम कीजिए कि अब आने वाली बीजेपी सरकार तो किसी सूरत हाल गिर रही है, समझ रहे हैं आप? तो आपकी जो अपील है राजनाथ सिंह से हो या हमारे KCR TS के
जो चीफ मिनिस्टर हो इनको भड़का बयान दे के आप क्या बताना चाह रहे हैं। तो लिहाजा आप अपनी ये जो बोलती है ना, ये जो जहर वाली जो जुबान है, इसको आप बंद ही रखिए तो बेहतर है। और आप इंसानियत का पैगाम देने की बात करो, क्योंकि इससे पहले भी मेरे अपने बयान में मैंने डायरेक्टली आपको ये कहा है कि आप जो जहर उगलते हो ना, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। महज हिंदुस्तान की तबाही के लिए, हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए आप लोगों के जुमले हैं, ना कि यहाँ के हिंदुओं के लिए भी कोई आपका जुमला सेफ करने वाली बात नहीं है। हिंदुस्तान सभी मज़हबों का है, सभी लोगों का है। ये इंसानियत के लिए एक बेहतर यानी कि हमको मिसाल बनकर बयान देना चाहिए, ना कि इस तरीके के वाहियत बयान को लेकर आप अपने आप को यानी कि चर्चा में बरकरार रखने की ज़रूरत है। शेम ऑन यू बीजेपी एमएलए सिंह। तो मेरे भाइयों, आप ऐसे एमएलए जो कि बिल्कुल फिरखाराना सोच रखते हैं, कम्युनल सोच रखते हैं, इस तरीके के इनके भड़का बयान में ना आए। लिहाजा ये मेरा डायरेक्ट सवाल है बीजेपी के एमएलए राजा सिंह को, आप अपना ये बकवास बंद कीजिए। और बार बार एमआईएम को मुस्लिम का प्लेटफॉर्म बताते हुए आप ये बोलना बंद कीजिए। अगर आपको बात करना है तो यहाँ के फला बहबूद के कामों के लिए बात करिए, आप मुसलमानों के रिजर्वेशन पे आप बात कीजिए। जब आपको देश की या टीएस के बारे में इतना डेवलपमेंट का ख्याल है तो बहुत सारे इश्यूज है, आप उसके ऊपर फाइट कीजिए। गैर ज़रूरी ये भड़का भाषण देना बंद कीजिए। और मेरे भाइयों, ऐसे एमएलए या ऐसे साधु संत जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, इनकी बातों में ना आए और हमारी एकता या हमारी इतिहाद को आप बनाए रखें। मुसलमान और हिंदू भाई एक दूसरे की हिम्मत है, तभी तो हिंदुस्तान बना है। जय हिंद।